गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेरी वेल। माय नेम इज़ आकांक्षा, वेलकम बैक टू माय चैनल आकांक्षा की नज़र से। और अभी शाम का टाइम है, हम डिनर की तैयारी कर रहे हैं और आज हम डिनर में बनाएंगे रिवर फिश करी। और इसके लिए हम फिश ले चुके हैं, माँ फिश धो दी है और उसमें लहसुन अदरक लाल मिर्च और हल्दी पाउडर डाल के मिक्स कर देंगी और स्वाद के अनुसार नमक। और अच्छे से उसे मिक्स करके हम अभी इसे फ्राई करेंगे। और हम इसे ढक दिए हैं ताकि इसका छींटा ना पड़े। और ये हो चुका है तो हम इसे पलट देंगे। और जब तक ये हो रहा है तब तक हम टमाटर अच्छे से धो लेंगे और उसे कट कर लेंगे। और आज हम टमाटर इसमें पीस के डालेंगे, तो हम मिक्सी में चला लेंगे इसे। और हम टमाटर छील के ही डालते हैं, जब भी यूज़ करना होता है ना, हम छील के ही डालते हैं टमाटर को। और प्लीज फ्रेंड्स, तो मेरे पूरे ब्लॉग को देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और ये हमारा हो चुका है तो हम इसे निकाल देंगे और फिर और मछलियों को डाल देंगे। जब तक ये भी हो रहा है तब तक हम आलू छील लेंगे और आज हम इसमें आलू डाल देंगे करी में। वैसे ज़रूरी नहीं है आलू डालना, लेकिन हमें मन किया आलू डाल के खाने का तो हम आलू डाल देंगे इसमें। कट कर लेंगे आलू को अच्छे से देखिए। और यहाँ हमारा फिश एक तरफ हो चुका है तो हम इसे पलट देंगे। और ज़रूरी नहीं है करी में बहुत डीप फ्राई करना, हल्का फ्राई करने से भी करी में हम डाल सकते हैं, लेकिन हम लोगों को डीप फ्राई बहुत ही पसंद है, इसीलिए हम डीप फ्राई करते हैं। और इसे फ्राई भी खाने से बहुत अच्छा लगता है, दाल चावल के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है फ्राई भी खाने से। और इसी तरह करके हम सारी फिश को तल लेंगे, फ्राई कर लेंगे। और हम करी बनाने के लिए कढ़ाई चढ़ा दिए हैं और इसे अच्छे से गर्म होने के लिए हम रख देंगे और गैस ऑन कर लेंगे हम। और ये सरसों, पीली सरसों जो हम पीस के रखे हैं, उसमें काली मिर्च लहसुन अदरक जीरा ये सब हम इसमें पीस के रखे हुए थे। और इसमें हम अभी ऐड कर रहे हैं हल्दी और मिर्च पाउडर और साथ में धनिया पाउडर, और इसे अच्छे से हम मिला लेंगे। हमारा कढ़ाई गर्म हो चुका है तो इसमें हम सरसों तेल डाल देंगे और उसमें थोड़ी सा ब्लैक सरसों और थोड़ा सा मेथी हम डाल दिए हैं।
और उसके बाद पीसी हुई मसालों को हम डाल दिए हैं और नमक स्वाद के अनुसार इसमें हम मिला दिए। इसे हम पकने के लिए छोड़ देंगे, ये अच्छे से भुनेगा। अब तक हम चावल चढ़ा देते हैं, हम चावल के साथ ही इसे आज खाएंगे। हमारा भुन चुका है तो इसमें हम आलू डाल देंगे और आलू जब तक आधा नहीं गल जाए तब तक इसमें हम टमाटर ऐड नहीं करेंगे। और हमारा आलू आधा गल चुका है तो इसमें हम टमाटर ऐड कर देंगे और इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे। से भून चुका है क्योंकि ये तेल छोड़ दिया है तो अब इसमें हम पानी ऐड कर लेंगे। प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है हमें। और पानी ऐड करके हम उसमें एक उबाल आने देंगे और ये उबाल आ चुका है तो हम इसमें फ्राई किए हुए फिश को डाल देंगे। और कितना अच्छा कलर दिख रहा है ये देखने में। और ये देखने में इतना अच्छा दिख रहा है तो खाने में कितना अच्छा लगेगा। और ऊपर से हम इसमें कटी हुई धनिया पत्ती को डाल देंगे। ये हमारा फिश करी बनके तैयार है, रेडी है। और हमारा राइस भी बन चुका है। हम ऐसे अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लेके आते रहेंगे और आप हमारे साथ बने रहिएगा, हमेशा हमारे ब्लॉग को देखिएगा। और हमारा रेडी हो चुका है, हम निकाल चुके हैं इसे और अपना थाली भी आपको दिखा देंगे। फिश करी, राइस, ग्रीन चिली और धनिया की चटनी, ये हमारा आज का थाली है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।